जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो पार्ट टू में। आज के वीडियो में हम आपके द्वारा ही पूछे गए प्रश्नों का जवाब देंगे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके मन में कोई भी बाइक से रिलेटेड क्वेश्चन हो जो आप जानना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप कौन सा इंजन ऑयल डलवाते हैं? कि मैं होंडा का 5W30 इंजन ऑयल यूज करता हूं जो कि होंडा रिकमेंड करता है और होंडा की बाइक है तो जाहिर है उसका इंजन ऑयल भी अच्छा ही होगा क्योंकि बाइक इतनी अच्छी बनाते हैं लोग। और अगर आप दूसरी कंपनी का भी डालना चाहते हैं तो आपको 5W30 ग्रेड का डालना चाहिए। कंपनी मैटर नहीं करती है, बस आपका इंजन ऑयल ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब ऑथराइज सेंटर से आपको लेना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास है 62,000 चल गई है और मीटर अपने आप कभी कभी बंद हो जाता है। तो मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात बताता हूं फिर बताऊंगा कि आपको प्रेशर वॉश से बचना चाहिए। प्रेशर वॉश आप जितना कराएंगे गाड़ी उतनी डैमेज होती चली जाएगी। वाटरप्रूफ होती है, हर गाड़ी होती है, लेकिन हर पार्ट को इतना ज्यादा वाटरप्रूफ नहीं किया जा सकता है कि बिल्कुल पानी ही इसमें ना जाए। कुछ मेन चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे पेट्रोल टंकी जो होती है उसकी कैप्स में पानी जाता है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि SP 125 में ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर बाइक में जाता है अगर आप प्रेशर वॉश कराते हो। तो जाएगा कहां, नीचे निकल जाएगा फ्यूल पंप में। वहां पर होता है आपका फ्यूल फिल्टर, तो वो चोक हो जाता है। तो जब भी आपका फ्यूल फिल्टर चोक हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए आपके टैंक में पानी गया हुआ है, तो आपको इससे बचना चाहिए। और जो मेन लॉक होता है वो भी पानी से ख़राब हो जाता है। और तीसरी चीज़ है जो कोन सेट होती है, जो हैंडल में बैरिंग होती है, तो वो भी बहुत जल्दी पानी से ख़राब हो रही है प्रेशर वॉश से। तो गाड़ी कोई भी हो मैटर नहीं करता, आपको प्रेशर वॉश से हमेशा बचना चाहिए। जेंटल वॉश करें, आप आधा इंची पाइप ले लीजिए एक हाथ में, दूसरे हाथ में कपड़ा, आराम से गाड़ी को धुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पानी भी बचेगा और गाड़ी भी आपकी सुरक्षित रहेगी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे भैया कमेंट कर रहे हैं कि इंजन में क्या काम हुआ है अभी तक। तो भैया इंजन में कोई काम नहीं हुआ है, मैं होंडा का 5W30 इंजन ऑयल डालता हूँ और अभी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, 65,000 चल चुकी है। और पूरी गाड़ी में आपको बता दूँ कि कुछ ही काम हुए हैं, जैसे कौन से डिस्क पैड, क्लच एंड थ्रॉटल केबल, ये चार चीज़ें ही पड़ी हैं अभी तक 65,000 किलोमीटर में। बाकी सर्विस वाले पार्ट पड़ते हैं, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब डिपेंड करता है आपके मेंटेनेंस पर। अगर आप प्रेशर वॉश कराएंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जल्दी जल्दी ख़राब होती रहेंगी, बदलनी पड़ेंगी। तो मैं प्रेशर वॉश नहीं करता हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है मुझे, पार्ट ख़राब नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया कैस्ट्रॉल पावर अल्टीमेट ऑयल 10W40 कैसा है? मैं वही यूज कर रहा हूँ। तो भैया कैस्ट्रॉल का ऑयल है तो अच्छा तो होगा ही, लेकिन सिंपल सा आप ये समझिए कि होंडा कंपनी जिसने बाइक बनाई है वो 5W30 रिकमेंड कर रही है और जो BS4 थे उनके लिए 10W30 रिकमेंड करती है। तो जो कंपनी रिकमेंड कर रही है मैं तो कहूँगा आप वही ग्रेड का इंजन ऑयल यूज करें। कंपनी मैटर नहीं करती, आप कोई भी कंपनी का ले लीजिए, लेकिन कम से कम ग्रेड आपको वही यूज करना चाहिए 5W30 जो होंडा रिकमेंड करती है। अगला क्वेश्चन है कि 75,000 किलोमीटर चलने के बाद 2017 की SP साइन कितने तलक लेनी चाहिए और एवरेज कितना देगी? तो भैया सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी तो अच्छी है, पुरानी साइन भी अच्छी थी, लेकिन न्यू साइन BS6 में जो आई है उसका माइलेज बहुत ज्यादा है, वो 5 गियर सिस्टम में आई है। पहले गाड़ियां 4 गियर में ही थी और हो सकता है 5 गियर में अगर होगी भी तो BS6 नहीं थी, इस वजह से उनमें 50 से 55 का माइलेज मिलता है। तो अगर आपको थोड़ा पैसा और बढ़ा के डाल सकते हैं तो न्यू गाड़ी ले लीजिए जिससे आपको बेहतर माइलेज मिलेगा। अगर आप महंगी गाड़ी नहीं ले सकते तो आप कोई 110 cc या 100 cc की साइन 100 अगर होंडा की है उनमें भी अच्छा माइलेज मिल जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं। BS6 बाइक में आपको 75 से 80 तक का माइलेज देखने को मिल जाता है, वो भी 125 cc सेगमेंट में भी। तो हो सके तो आप वही लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, जैसा बजट आपका अलाउ करे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये बाइक एक तो लुक में खराब है, बकवास है और इंडिकेटर की क्वालिटी तो बहुत ही घटिया है। सड़क पर किसी एक दिन में 20 SP 125 दिखेंगी तो उसमें से 15 के इंडिकेटर टूटे हुए मिलेंगे। तो भैया ये कमेंट पढ़ के थोड़ा अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा, क्योंकि होंडा SP 125 या कोई भी होंडा की बाइक सब में आपको लगभग बिल्ड क्वालिटी, छोटी गाड़ियों में मतलब बात कर रहा हूँ मैं, छोटे सेगमेंट में 100 cc, 110 cc, 125 cc सब में आपको बिल्ड क्वालिटी लो मिलेगी। इस रेंज में आपको एक ही चीज़ मिल सकती है, या तो अच्छा इंजन, अच्छी टेक्नोलॉजी या फिर बिल्ड क्वालिटी। तो अगर दोनों मिलेंगी तो गाड़ी 1.5 लाख की हो जाएगी, तो भाई कोई लेगा नहीं। जो SP 125 अभी 1,08,000 की या 1,10,000 के आसपास है, वो 1.5 लाख की अगर हो जाएगी तो कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। तो इस चीज़ को आप समझो कि अगर इसी सेगमेंट में आप दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इंजन और परफॉर्मेंस के साथ और माइलेज के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। होंडा की बाइक में आपको इंजन परफॉर्मेंस बिल्कुल हाई मिलेगा, टेक्नोलॉजी बिल्कुल हाई मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी लो देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर दोनों चीज़ें मिलेंगी तो KTM 125 आप ले सकते हैं, कि वो उसका रेट भी आप देख सकते हैं कितना हाई है। अगला भैया ने कमेंट किया है,
ऑलवेज कैरी स्पेयर, मतलब स्पेयर हमेशा लेके चलना चाहिए। ये वीडियो मैंने बनाया था, एक थ्रॉटल केबल टूट गया था, रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाती है, कोई वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता क्योंकि होंडा का सामान हर जगह नहीं मिलता। क्लच वायर अगर टूट जाए तो आपको यूनिवर्सल 20-30 रुपए का लग जाता है, लेकिन अगर एक्सेलेटर वायर टूट गया तो आपको पैदल ही ढंगाना पड़ेगा बाइक को। तो वहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप एक्सेलेटर केबल, मतलब थ्रॉटल केबल खरीद के सीट के नीचे रख लीजिए, जब भी आपका खराब होगा वो निकलवा के मैकेनिक से ही आप लगवा सकते हैं या खुद भी लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सारे स्पेयर लेके आप नहीं घूम सकते, लेकिन थ्रॉटल केबल जरूरी है, मस्ट है, जिसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती, तो वो आप लेके रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला कमेंट है, क्या कोई हीटिंग प्रॉब्लम है इसमें? तो भैया अगर आप 5W30 इंजन ऑयल डालेंगे तो आपको कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं मिलेगा। अगर आप 10W या 20W यूज करेंगे, जो कि थोड़ा मोटा होता है, तो हीटिंग तो होना कंफर्म है। तो जो चीज कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड किया है वो यूज करिए ना, तभी तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर पर क्लच केबल और एक्सीलेटर केबल चेंज करना चाहिए? तो भैया कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि क्लच केबल और एक्सीलेटर केबल कब चेंज करना चाहिए। बस आप असुविधा से बचना चाहते हैं तो एक्सीलेटर केबल जरूर सीट के नीचे रखिए, और 20,000 किलोमीटर में आप चेंज करवा सकते हैं अगर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले तो आपको धोखा नहीं देगा। और अगर आप सीट के नीचे रख लेंगे तो, जैसे कि मेरा तो अभी 63,000 पर चेंज हुआ है पहली बार थ्रॉटल केबल, तो सीट के नीचे रखा था आराम से, जहाँ भी टूटा मैंने निकाल के कर लिया। तो आप दोनों काम कर सकते हो, अगर पैसे हैं तो चेंज करा सकते हो, नहीं तो आप रख सकते हो सीट के नीचे, 115 रुपये का ही मात्र आता है। अगला कमेंट है कि अरे भाई मैं 4 साल से चला रहा हूँ, मेरे को तो 65 से 70 माइलेज देती है, ज़्यादा नहीं। तो भैया ड्राइविंग स्टाइल पर मैटर करता है, अगर आप सही से चलाओगे इको मोड में 50 से 55 की स्पीड में, कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब बार बार खींचेंगे नहीं, तो आपको 75 से प्लस मतलब माइलेज मिल जाएगा। तो माइलेज पूरी तरीके से ड्राइविंग स्टाइल पर मैटर करता है। बाकी गाड़ी में भी कई चीज़ें होती हैं जो सही होनी चाहिए, पता नहीं आपकी बाइक में सही हैं या थोड़ा बहुत, जैसे अलाइनमेंट वगैरह आउट हो गया या चैन अगर ल्यूब्रिकेट नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं माइलेज में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई तुम थोड़ा कंजूस लगते हो। तो भैया माइलेज मेरी बाइक ज़्यादा दे रही, तो मैं कंजूस क्यों हो गया उसमें? चलो छोड़ो, तो मजाक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई आपने इसमें जो हजार लाइट स्विच लगाया है उससे कोई प्रॉब्लम हुई क्या? बैटरी या ECU में अदर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे भी लगाना है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। तो भैया मैंने जो हजार लाइट लगाई है उसका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लिंक है, तो सिंपल है, बिल्कुल लाइट खोलनी पड़ेगी, आप घर में ही कर सकते हैं, और उससे कोई भी आज तक दिक्कत नहीं हुई, 3.5 साल हो गया, 65,000 गाड़ी चल गई, तो बैटरी भी अभी तक खराब नहीं हुई, स्टॉक बैटरी ही चल रही, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला कमेंट आया है कि मेरा भी सेम प्रॉब्लम हो गया था, एक्सीलेटर वापस नहीं आ रहा था, तो डीलर वाले ने केबल ही रिप्लेस कर दी, 700 रुपये चार्ज लगा विद लेबर। तो भैया यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका एक्सीलेटर जाम हो गया है तो केबल ढीला कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? तो आपको 700 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि 250 रुपये के दोनों केबल आ जाते हैं, तो 100 और 200 रुपये लेबर चार्ज मिला के भी 450 ही बनना है, तो 700 रुपये क्यों ले लिए, तो आप एक बार उससे पूछिए जाके। और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे भी कहीं ऐसे ही ठग ना लिया जाए। तो अगर आपके एक्सीलेटर जाम होता है तो आप नीचे वीडियो देख के डिस्क्रिप्शन में खुद ही घर पर सही कर सकते हैं। तो अगला कमेंट है कि इसमें क्या मोटा टायर लगा सकते हैं और इसका माइलेज कितना घटेगा? तो भैया मोटा टायर अब तो कंपनी ने ही देना शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जो इस समय नई गाड़ी में टायर आ रहा है अगर हो सके तो वही यूज करें, अगर और भी ज़्यादा फैट आपको टायर चाहिए तो कर सकते हैं, बस आपको कोई प्रॉब्लम ना हो गाड़ी में, टच ना हो इधर। माइलेज की बात करें अगर, तो थोड़ा बहुत तो घटेगा ही, इसमें मुझे 78 तक का मिल जाता है, मतलब 75+ मिलता है। तो अगर आप मोटा टायर लगाएंगे तो जो न्यू SP में आ रहा है वो वाला टायर यूज करेंगे तो 5 किलोमीटर घट जाएगा लगभग, मतलब आइडिया एक बता रहा हूँ, अभी चेक नहीं किया है। और अगर आप और भी मोटा टायर लगाएंगे तो और भी घटेगा। अगर आपको ज़्यादा रनिंग है तो आप पतला टायर ही रखिए, अगर आपको माइलेज की कोई दिक्कत नहीं है तो आप मोटा टायर भी लगा सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। और आपके मन में बाइक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी बाइक से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर डाल दीजिएगा, कोशिश करता हूँ मैं 100% रिप्लाई देने की, और अब तो वीडियो में भी आपका क्वेश्चन शामिल हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।